I'm plastic and cosmetic surgeon. Currently, I'm working as assistant professor of plastic surgery in Services Institute of Medical Sciences, Lahore. आज जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है राइनोप्लास्टी. सो कुछ चीज़ें अबाउट राइनोप्लास्टी और कुछ जो इस क्लिनिक की स्पेशल हैं विच इज़ अल्ट्रासोनिक राइनोप्लास्टी. तो पहले हम ब्रीफली आपको बताते हैं कि राइनोप्लास्टी क्या है. राइनोप्लास्टी को हम कहते हैं नोज़ रीशेपिंग सर्जरी. अगर किसी का नोज़ मोटा है, लंबाई में ज़्यादा है, नाक टेढ़ा है और उसकी टिप मोटी है या हड्डी मोटी है, नाक बैठा हुआ है, इन सब की अगर रीशेप किया जाए तो इसको हम कहते हैं राइनोप्लास्टी. किसी के नाक अंदर से ब्लॉकेज है और अंदर की हड्डी टेढ़ी है, जिसको हम सेप्टम बोलते हैं, उसको कहते हैं सेप्टोप्लास्टी. सो अगर कोई किसी बंदे का कंसर्न है कि मेरे नाक की शेप बेहतर करनी है, जो कोई भी वजह हो सकती है, लंबाई हो सकती है, वो चौड़ा हो सकता है, उसका ये सुराख नॉस्ट्रिल चौड़े हो सकते हैं या नाक बैठा हो सकता है, तो उसको राइनोप्लास्टी की तरफ प्रेफर करते हैं. और अगर किसी के सिर्फ सांस का मसला, अनहीज हैप्पी विद द शेप, तो फिर वो सेप्टोप्लास्टी करा सकता है. यूजुअली क्या होता है, जब भी हम राइनोप्लास्टी करते हैं तो हम साथ में सेप्टोप्लास्टी करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ से सेप्टम से या अंदर की जो हड्डी से एक पीस कार्टिलेज का लेके अपनी राइनोप्लास्टी में यूज़ करते हैं. इसलिए एज ए प्लास्टिक सर्जन वी आर ऑलरेडी डूइंग इट विच इज़ कॉल्ड सेप्टोप्लास्टी. जो कि सिमिलरली कोई पेशेंट के दोनों मसले हैं, वो कहता है मेरी सांस का मसला भी ठीक कर दें और मेरी शेप भी ठीक कर दें, तो वो हमें चूज़ करता है रीज़न बिहाइंड कि हम साथ में सेप्टोप्लास्टी भी करते हैं और साथ में राइनोप्लास्टी भी करते हैं. तो उसका ब्रीदिंग का मसला भी हल होता है जो कि सेप्टोप्लास्टी से, साथ ही और किसी का जो शेप का मसला. सो दिस इज एट प्लास्टिक, इफ़ यू आर कमिंग टू प्लास्टिक सर्जन देन बोथ इश्यूज कैन बी सॉल्व एट द सेम टाइम. अब एक हमारे क्लिनिक पे अब जो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं जो रूटीन में राइनोप्लास्टी करते हैं, उसमें अब जो बोन को रीशेप करते हैं, वो उसके लिए आपके पास ट्रेडिशनल रेस्प होते हैं जो कि आप जिस तरह बगड़ाई करके ऊपर से स्लिम करते हैं, या साइड से जो कटिंग करते हैं बोन की, उसके लिए आपके पास चिजल्स होते हैं या ऑस्टियोटोम्स होते हैं. लेकिन अल्ट्रासोनिक राइनोप्लास्टी क्या है? अल्ट्रासोनिक राइनोप्लास्टी में हमारे पास एक मशीन है जिस विच इज़ कॉल्ड पीजो इलेक्ट्रिक. ये एक जिस तरह लेज़र होता है, इस तरह एक अल्ट्रासोनिक मशीन है जो सिर्फ उसकी फ्रिक्वेंसी है 20 मेगाहर्ट्ज़, जो सिर्फ बोन को कट करती है. सॉफ्ट टिश्यू कट करने के लिए या आपकी जो स्किन को कटिंग करने के लिए आपको 60 मेगाहर्ट्ज़ चाहिए, लेकिन चूंकि ये मशीन बनी ही बोन की कटिंग के लिए है तो ये बाकी टिश्यू को डैमेज नहीं करती. तो इससे बड़ा प्रिसाइज बोन का कटिंग होती है जिससे हम बोन की रीशेपिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं. आपकी आंखों के अराउंड जो ब्रूजिंग होती है, जो नीले निशान पड़ते हैं, पांडाज आई या रेकून आईज बोलते हैं इसको, वो इस सर्जरी में कम होता है, क्योंकि आपकी बोन की उस तरह का ट्रॉमा नहीं होता या बोन का उस तरह के फ्रैक्चर नहीं होते. तो जो हम अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, इसका ही फ़ायदा है कि आपकी आईज की ब्लैकनिंग, स्वेलिंग, ब्रूजिंग कम है. इसलिए ये बाकियों से अब लेटेस्ट या एडवांस कहलाती है या अल्ट्रासोनिक राइनोप्लास्टी कहलाती है कि इसके जो रिजल्ट्स हैं ये मोर सुपीरियर एज कम्पेयर टू. ये सर्जन टू सर्जन वेरिएबल है, हर सर्जन कंफर्टेबल नहीं होता, हर सर्जन अपनी टेक्निक में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है. तो हम जो हैं स्पेशली आई एम डूइंग इट इन माय क्लिनिक एंड फ्यू अदर सर्जन विच इज यूजिंग अल्ट्रासोनिक डिवाइस, इट प्रोवाइड्स मच मोर लेस ब्रूजिंग स्वेलिंग इन माई हैंड्स एज कम्पेयर टू द नॉर्मल. नंबर थ्री एक और है, वो है प्रिजर्वेशन राइनोप्लास्टी, विच इज़ ऑल्सो लेटेस्ट वन इंट्रोड्यूस इन 2019 एंड नाउ अभी जो हमने एक AASP की मीटिंग कराई है, इससे भी काफ़ी डिस्कशन हुई एंड इन पाकिस्तान पीपल आर ऑल्सो स्टार्टिंग डूइंग इट. तो प्रिजर्वेशन राइनोप्लास्टी क्या है? तो ऐसे नोजेस जिनका ऊपर से हम्प होता है, जो हड्डी बड़ी होती है, तो इसके ट्रेडिशनली ये कि हम उस हड्डी को शेव करते हैं, ऊपर से कट कर देते हैं. लेकिन चंद पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर से ये बहुत अच्छी होती है, सिर्फ हड्डी का साइज़ बड़ा होता है. तो अब एक लेटेस्ट टेक्निक ये भी है कि आप अंदर से जो सेप्टम है, जो हड्डी है, उसको उतना रिमूव कर दें और इसको नीचे बिठा दें, तो आपकी नोज़ की जो ऊपर से शेप है वो सेम रहेगी लेकिन नीचे बैठा होगा. तो दिस इज़ कॉल्ड प्रिजर्वेशन राइनोप्लास्टी. फिर इसके अंदर एक हाई स्ट्रिप होती है, एक लो स्ट्रिप होती है. तो ऐसे पेशेंट जिनका नाक सीधा है, उनमें हम प्रेफर करते हैं कि ऊपर से ही पीस निकाल दें और नाक को नीचे पुश कर दें, जिससे हमें अंदर की जो हड्डी है उसको ज़्यादा नहीं करना पड़ता, मूव नहीं करना पड़ता. और कुछ लोग ऐसे जिनकी अंदर की हड्डी भी टेढ़ी हो और साथ में नाक का साइज भी कम करना हो या हम कम करना, तो हम पूरा जो सेप्टम है उसको नीचे से मूव करते हैं और उसको
एक स्ट्रिप उसकी रिमूव करके सेंटर में लाके फिक्स करते हैं और साथ में कंबाइन करते हैं विद हाई स्ट्रिप अलॉन्ग विद थोड़े मेनूवर्स हैं जिसको हम कहते हैं बैलेरिनो मेनूवर्स, अशीदा मेनूवर्स करके आप नीचे लेके आते हैं नोज को और वो हम प्रोड्यूस करते हैं। ये क्लोज भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, हर सर्जन की अपनी चॉइस है। एडवांटेज क्या है, ये प्रिजर्वेशन रैनोप्लास्टी का मेन फ़ायदा क्या है कि आपका जो डॉर्सम है, आपका जो सामने वाला है, ये ऐसे ही रहता है, इसकी शेप ज़्यादा चेंज नहीं होती, लेकिन आपका हम भी रिड्यूस हो जाता है। तो ओवरऑल ब्रूजिंग स्वेलिंग प्रिजर्वेशन रैनोप्लास्टी की कम है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रक्चरल रैनोप्लास्टी। सेफ्टी अभी चूंकि ये लेटेस्ट है, देयर हैव बीन फ्यू ईयर्स, 3-4 ईयर्स स्पेशली इन टर्की पीपल आर डूइंग इट अलॉट और देयर क्लेमिंग रिजल्ट्स आर मच मोर सुपीरियर। तो हमारे इनिशियल रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं एंड वी आर आल्सो डूइंग इट हियर। थैंक यू।